सर, जैसा कि जानते हैं अभी बिहार सरकार की तरफ से नशा मुक्ति जागरूकता रैली हो या घर घर जाकर इसको बताना नशा करना कितना हानिकारक है हमारे जीवन के लिए, इसको हम लोग सरकार के द्वारा जागरूकता कराया जा रहा है। इस पे हम नशा मुक्ति कुछ आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कोई भी बच्चे हो, सबसे पहले संगत अच्छा रखना चाहिए। संगत से कुछ होता, संगत से तो संगत कैसा रहना चाहिए? अच्छा। जब अच्छा संगत रखोगे तो अच्छा बनोगे, और संगत खराब रहेगा उसी से जो संगत करोगे वो नशा करने वाला रहेगा, उससे आप नशा करना सीख जाओगे। तो संगत अच्छा करना है ना। yes, और दूसरी बात कि हम लोग आज नशा मुक्ति, नशा सबसे पहले नहीं करना है, करना है नहीं करना है। और नशा अपने घर के बगल में अगर कोई नशा करते हैं उनको भी बताइए कि नशा कितना हानिकारक है। नशा करते हैं तो हमारे उससे कितना मतलब लाभदायक है क्या? नशा करने से, नशा करने से हमारे शरीर में कई तरह का बीमारी उत्पन्न होता है, जैसे बताते हैं कैंसर जैसा, मतलब ऐसा ऐसा बीमारी उत्पन्न होता है जो आप सोच नहीं पाओगे। नशा से फेफड़ा खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। लोग अच्छा लगता है पीते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन शराब पीना नहीं चाहिए। शराब पीने से लीवर खराब होता है, किडनी खराब होता है। दो पल के लिए खुशी आपको जीवन खोना पड़ता है, दो पल का खुशी शराब को दो मिनट के लिए अच्छा लगता है, खा लेते पी लेते हैं, खैनी खा लेते हैं, शिखर खा लेते हैं, लेकिन दो पल के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये जीवन खोना पड़ता है। बच्चे आप लोग पढ़ना, आप लोग सब लोग निर्णय ले कि हम लोग इसको जागरूकता घर के बगल में और दूसरों को बताएंगे कि शराब पीना कितना हानिकारक है। जानते हो ना? यस सर। शराब पीना क्या है? हानिकारक। हानिकारक है ना? यस सर। अच्छा है, हानिकारक। तो हम लोग घर के बगल में हमारे अगर लगता है कि हमारे घर में खुद के घर में नशा कोई व्यक्ति कर रहे हैं तो उनको भी समझा नशा नहीं करना है। ये सरकार के द्वारा, अभी सरकार के द्वारा ये योजना चलाया जा रहा है, और आप लोग नहीं मानोगे ना, सोचोगे कि हम छुप नुप के पी लेंगे तो कहाँ कितना लोग देखते चलेगा। सबसे पहले खुद को ठान लो कि हमको नशा नहीं करना है, नशा से हानिकारक होता है, नशा से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होता है। इस चीज को मन में नहीं ठानोगे तो जीवन आपका सुखमय कभी नहीं होगा। देखना नशा करने से, नशा करके आते हैं घर पे, पत्नी से मारपीट, माता माँ से मारपीट, घर के बगल में मारपीट। नशा करने से सिर्फ बीमारियां नहीं होता, बीमारियां के साथ साथ घर पे नशा करके आओगे ना तो अपने पत्नी के साथ मारपीट, अपने माँ को साथ मारपीट, अपने पिता के साथ मारपीट, अपने घर के बगल में मारपीट करोगे, इससे हानिकारक नहीं है? हानिकारक है कि नहीं? नशा करने के बाद वो अंबानी को भी खरीद लेता है, पूरे देश को खरीद लेता है। और एक चीज और इसके साथ साथ समय का दुरुपयोग करो, सदुपयोग नहीं। समय हर क्षण जो समय निकलता है वो कभी आएगा, कल जो बीत गया वो आएगा, जिंदगी में कभी नहीं आएगा दोस्तों। इसी के लिए बच्चे आप लोग ध्यान रखें, समय का उपयोग करें, और साथ ही नशा मुक्ति मतलब संगत ऐसा करें जिससे हमारा फायदा हो, हमारा जिंदगी सफल हो। समझ गए ना? यस सर। और स्कूल आए,
साफ सफाई रखिए, अपने देश को, खुद को साफ सफाई, मन को साफ सफाई, और स्कूल आओ टाइम से, और टाइम से छुट्टी हो तो घर जाओ, अच्छे से अपने घर जाओ। उसके बाद ये जो नशा मुक्ति का बताए हैं, इसको फैलाओ सब जगह जाके। तो सब लोग एक बार बोलिए, हम लोग नशा मुक्ति करेंगे। बताए दोनों हाथ करके बताओ, नशा मुक्ति करेंगे। और किसी को बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? नशा नहीं करो। क्या नहीं करो? उसको लाज लज्जा महसूस होगा और कहीं ना कहीं लाज से वो छोड़ देगा। अगर आपके घर में माता पिता पिताजी भी अगर नशा करते हैं, या मेरा पिताजी भी नशा करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि नशा को हम भी बोलेंगे और आप भी बोलो। ये नहीं कि हम नहीं बोलेंगे, आप भी बोलो, हम भी बोलेंगे। और मुझे याद है, थोड़ा सा कुछ दिन पहले, आपको लगता है बहुत समय पहले, मेरे पिताजी का थोड़ा सा कहीं नहीं खाते थे ना, हम बताते हैं, मेरे उनके पोता सिर्फ बोल दिया कि ये क्या कर रहे हैं, उसी दिन से वो लाश से कहीं नहीं खाना छोड़ दिए और उनका कोई नशा नहीं है और बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी तक फिट हैं, 80 साल हो गए हैं और फिट हैं। तो नशा नहीं करना है, करना नहीं है। औरों को बताना है, ठीक है? यस भारत माता की जय।